कहते हैं कि काबिलियत का पता इससे लगाया जा सकता है कि हम कठिन परिस्थितियों के लिए कितने तैयार हैं। आइए आपको हम एक कहानी सुनाते हैं तूफानों की और बनाते हैं एक स्वादिष्ट पकवान आज के इस एपिसोड में। तो सुनते रहिए द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी जरूरत रहती थी, लेकिन ऐसी खतरनाक जगह जहां आए दिन आंधी तूफान आते रहते हो, कोई काम करने को तैयार ही नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के एक अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले एक मजदूर की जरूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का पतला दुबला अधेर व्यक्ति किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। मजदूर काफी मेहनती निकला, वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता। किसान भी उससे काफी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात अचानक ही जोर जोर से हवा बहने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है, इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो, किसान जोर से चीखा। मजदूर बड़े ही आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। ये सुन किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी उसे बहुत काम करना था। वो आने वाले तूफान से चीजों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में जैसे ही पहुंचा, उसकी आंख आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। फसल की गांठें अच्छे से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी भी हुई थी। उसके गाय बैल भी सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दाड़वों में थी। बाड़े का दरवाजा भी मजबूती में बंधा हुआ था। सारी चीजें बिल्कुल व्यवस्थित थी, नुकसान होने की कोई संभावना नहीं बची थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था, और अब वो भी चैन से सो सकता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसे तूफान आना तय है। आखिर तूफान से कोई नहीं बचा, पर जरूरत इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे कि यदि कोई विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की जरूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है, इत्यादि। क्या हम इन तूफानों के लिए तैयार हैं? तो चलिए हम भी कुछ ऐसा करते हैं कि कह सकें, जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें बताना ना भूलें। और बताने के लिए आपको जाना है thetasteofindia.com पर। वहां कमेंट कीजिए और हमें बताइए आप क्या
क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में। अब बढ़ चलते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर, जो है आज का रेसिपी। और आज की रेसिपी है नारियल के लड्डू की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं नारियल के लड्डू, जो झटपट बनने वाला बहुत ही आसान रेसिपी है। ये मैं बचपन में बहुत ज़्यादा खाया करती थी, और उस वक्त जो है मुझे नारियल का मतलब नारियल का लड्डू होता था मेरे लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बस और बस तीन चीज़ों की ज़रूरत है, और वो है नारियल, जो कि हमें दो नारियल लेने हैं, और चीनी हमें चाहिए होगा इसके लिए, जो कि हमें एक कप लेना है। चीनी की जो क्वांटिटी है वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा कम मीठा और चाहिए तो कम कर सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे फ्लेवर के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। सो लुक एट द इंग्रेडिएंट्स फॉर टुडेज रेसिपी, विच इज कोकोनट लड्डू। वी नीड 3 इंग्रेडिएंट्स, कोकोनट 2 पीसेस, 2 नंबर्स, इट वुड मेक अबाउट 2 कप ऑफ फ्रेशली ग्रेटेड फाइन कोकोनट, शुगर अबाउट 1 कप, कार्डमम पाउडर 1/2 टीस्पून। तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, जिसमें कि चीनी और पानी डालेंगे, थोड़ा सा अंदाजे के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, और उसे हम चाशनी के रूप में तैयार करेंगे धीमे आँच पर। इस चाशनी को हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि थोड़ा सा आप देखें कि एक 1 थ्रेड की कंसिस्टेंसी ना आ जाए उसमें, और वो थोड़ा थिक हो जाएगा। और जैसे ही आप देखें कि वो थिक होने लग गया है, हम उसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको नारियल को ग्रेट करना है तोड़ने के बाद। और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, और इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि मिक्सचर जो है, आप जब आप छुएंगे तो आपको एक स्टिकीनेस सा उसमें महसूस होगा। तो जैसे ही वो एक स्टिकी टेक्सचर आ जाता है उसमें, आप इस कढ़ाई को गैस पर से उतार दें और थोड़ा सा ठंडा होने दें। सो ऑन टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ पैन एंड ऐड शुगर एंड वाटर टू इट एंड कुक ऑन अ लो फ्लेम। Cook until the solution starts to thicken or until you get a 1 thread consistency. Then add the grated coconut and cardamom powder to it and stir well. Keep stirring frequently until you get a thick and sticky mixture. Then turn off the flame and allow it to cool a bit. दोस्तों, यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसे ठंडा होने के लिए देंगे, इसे हमें कम्प्लीटली ठंडा नहीं होने देना है। थोड़ा सा ये गर्म जब होगा तभी हमें लड्डू भी बनाना है, तो तभी वो लड्डू जो है आपका शेप लेगा। तो जब ये हल्का सा गर्म हो तब हम फटाफट थोड़ा सा एक स्पून से अपने हाथ में लें और लड्डू बनाना शुरू करें। अगर आपको गर्म लग रहा हो तो हल्का सा हाथ को जो है पानी से पोंछ सकते हैं और लड्डू तैयार कर सकते हैं। बस कुछ नहीं करना है, जितने बड़े लड्डू चाहिए उतना मिक्सचर आप हाथ में लेंगे और लड्डू का आकार उसे हम देंगे, और इस तरीके से हमारा लड्डू तैयार हो जाएगा। इस लड्डू को जो है आप 5 से 7 घंटे तक में ख़त्म कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक ये लड्डू फ्रेश रहता है। ये लड्डू जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इसीलिए आप इसे चाहिए तो रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं और 1 सप्ताह में निकाल कर खा सकते हैं। While the mixture is still a bit warm, take a spoonful from the mixture and shape it into round balls by pressing it between your palms. Keep in mind that if the mixture becomes cold, then making the coconut laddus will be impossible. In this case, return the pan or bowl onto the fire and slightly warm the mixture and continue to make the laddu. You can serve these laddus fresh or finish it off in about 5 to 7 hours, or max you can store it and consume it in about 1 to 2 days. These laddus tend to get spoiled easily, so you can either refrigerate it and use it, but we would recommend that you finish it off maybe in 1 to 2 days. तो दोस्तों, कैसी लगी ये आसान सी रेसिपी? है ना बहुत ही आसान। मैं आपको बता दूं कि ये रेसिपी, जब भी हम कहते हैं ना कई बार कि कुछ मीठा हो जाए, तो ऐसे समय के लिए ये रेसिपी बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं है, फटाफट बन जाता है। और दूसरा एक और चीज़ कि जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं और हम प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, तो अचानक से हमें अगर लगता है कि हमें डिनर के साथ थोड़ा सा लास्ट में कुछ स्वीट सर्व करना है, तो ऐसे समय पे भी ये लड्डू बहुत ही आसान है बनाना, आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए आप भी इस लड्डू को, और बताइए
अपने अनुभव हमें कमेंट करके thetasteofindia.com पर। That's right, and don't forget to subscribe to the Taste of India podcast to stay updated with the latest. And if you're looking for some other equipments to make this recipe, please visit thetasteofindia.com, where we have links to recommended graters for the coconut. That is all that we have for this episode. We are available on all podcasting platforms. So whatever is your choice of a podcast platform, you can tune in and listen to the Taste of India podcast there. If you can take some time out and give the show a rating on Apple Podcasts, it will help in the overall rankings of the show there. That is all that we have for this week. We'll be back again the next week with another tasty recipe. Until then, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.